सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। फाइनली गाइस, OB44 अपडेट स्पेशल गाइस अपने गेम के अंदर अपडेट की हाईलाइट आ चुकी है। अब इस बार के OB44 अपडेट के अंदर गाइस आपको मस्त मस्त सी गन स्किन मिलेगी, मस्त सा इमोट मिलेगा, फ्री मैजिक क्यूब मिलेगा, साथ ही में गाइस फ्री में कैरेक्टर मिलने वाले जिसके बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगी। जो हाईलाइट एड करी गई है उसके बारे में भी आपको फुल डिटेल मिलने वाले है। टोटली गाइस OB44 अपडेट से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो, गर्ना फ्री फायर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि आने वाले 17 अप्रैल को अपने गेम के अंदर OB44 का अपडेट आएगा। अपडेट के बाद जो गाइस मेन चेंज हो गए उसके यहाँ पे हाईलाइट वगैरह एड कर दी गए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हाईलाइट के बारे में बात करें। जो गाइस हाईलाइट है, ठीक है, ये हाईलाइट मेन है तो इसके बारे में आप लोगों का लास्ट में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बात कर रहे हैं हाईलाइट नंबर 2 के बारे में। दूसरी जो गाइस हाईलाइट है उसके अंदर कहा गया है गाइस मेका ड्रेक इनवेडर्स इन बीआर। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, ठीक है, तो भाई मेरी इंग्लिश को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, मेरे प्रोनाउंस का जो मैं कर रहा हूँ उसे इग्नोर करना। बाकी यहाँ पे गाइस कहा यह गया है OB44 अपडेट के बाद गाइस आपको मैप के काफी सारे लोकेशन पे कुछ इस तरह के आइकन वगैरह नजर आएंगे जहाँ पे आपको लैंड करना है। और जब आप लोग इन लोकेशन के ऊपर लैंड करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको, ठीक है, एक पोर्टल जैसा देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आपको खड़ा रहना है, के बदले में गाइस सामने एक, ठीक है, मॉन्स्टर टाइप का कुछ बाहर निकलेगा। मैप के अलग अलग लोकेशन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा और आपको टोटल 3 टाइप के मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक मोटे पेट वाला, फिर एक गाइस ब्लैक कलर का लंबा मॉन्स्टर, फिर गाइस इसके बाद ये तीसरा मॉन्स्टर, ठीक है, कुछ इस टाइप का पौधे वाला आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको टोटल 3 मॉन्स्टर मारने हैं। ये तीनों मॉन्स्टर को मारने के बाद जब आपका बुया होगा, ठीक है, तब गाइस आपके सामने कुछ टाइम के लिए सेकंड वगैरह चलेगा और फिर गाइस आप लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे कुछ इस के लोकेशन पे। यही है गाइस मेका ड्रेक मॉन्स्टर डिस्क के बारे में हाईलाइट नंबर 2 के अंदर गर्ना ने बात करी है। जैसे ही गाइस आप लोग इस जगह पे टेलीपोर्ट वगैरह हो जाओगे आपके सामने गाइस कुछ इस तरह का मॉन्स्टर आएगा, ठीक है, जो कि भाई आपको भी अच्छा खासा डैमेज वगैरह देगा। अब यार इसके अंदर अच्छी बात ये होगी कि आपको अनलिमिटेड एमओ मिलेगी, ठीक है, तो भाई इसकी आप लोग चिंता मत करना और यहाँ पे आपको अच्छी खासी मेडिकेट वगैरह भी मिलेगी। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे अकेले आते हो तो आपको शायद दिक्कत वगैरह हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग स्कोर में खेल रहे हो, ठीक है, आपके टीममेट वगैरह बच्चे हुए, तो फिर गाइस इसको मारने में आपको बहुत ही इजी होगा। इस मॉन्स्टर के गाइस 4-5 सर है, ठीक है, और भाई हर सर के अंदर इसकी जो हेल्थ वगैरह है गाइस वो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो कि आप लोग ऊपर की साइड देख रहे होंगे। अब ये जो गाइस मॉन्स्टर है, ठीक है गाइस, इसे अगर आप लोग मार दोगे तो भाई इसकी खास बात ये रहेगी कि आपको एक्स्ट्रा, ठीक है भाई, रैंक पॉइंट वगैरह मिलेंगे। मान लो गाइस, ठीक है, कि भाई आपके जो रैंक पॉइंट है, ठीक है, वो 10 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर गाइस आप लोग मारोगे तो आपको एक्स्ट्रा रैंक पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि भाई 4-5 यानी टोटल आपको 15-16, ठीक है भाई, रैंक पॉइंट वगैरह मिलेंगे। ये जो गाइस मेका ड्रेक मॉन्स्टर है, ठीक है, ये आपको अपडेट के बाद डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अपडेट के बाद जो अपना पहला इवेंट स्टार्ट होगा ना गाइस वो मेका ड्रेक का ही रहेगा, ठीक है, इसका मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। अब ये जो गाइस अपने, ठीक है, जो 3 नॉर्मल मॉन्स्टर है, ठीक है, जिसे अपन लोग मारेंगे उसके अंदर से अपने को FF कोन मिलेगा, ठीक है, कैडर के ट्रायल कार्ड मिलेगा, अपने को मिलेगा पोर्टल गो और यहाँ पे अच्छी खासी जो अपग्रेडेबल गन है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन नॉर्मल मॉन्स्टर को मारने के बदले में। बात करें हाईलाइट नंबर 3 की, तो गर्ना ने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कि अपडेट के बाद क्लैश कोड के अंदर आपको ड्रैगन एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको टोटल 3 टाइप के आइटम देखने को मिलेगी, EMP ग्रेनेड, ड्रैगन स्प्रिंटर, तीसरी आइटम रहेगी गाइस ड्रैगन फ्रीज, ठीक है। अब आखिर ये सारी चीजें है क्या, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई OB44 अपडेट के बाद जब गाइस आप लोग क्लैश कोड खेलोगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रैगन दिखने को मिलेगा जो कि हवा में उड़ता हुआ होगा। एडवांस सर्वर के अंदर गाइस जब मैं क्लैश कोड खेल रहा था, ठीक है भाई, तब बहुत ही कम मैचेस के अंदर यह ड्रैगन आ रहा था, लेकिन पॉसिबल है कि अपडेट के बाद आपको हर क्लैश कोड मैच के अंदर यह ड्रैगन आपको देखने को मिल जाए। अब ये जो गाइस ड्रैगन है, ठीक है, ये बस गाइस हवा में उड़ता रहता, ठीक है भाई, ये कोई आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, बस सिर्फ ये हवा में उड़ता रहेगा और इसके खुद की भी हेल्थ वगैरह है। ये जो ड्रैगन है इसके हाथ में गाइस आपको एक एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर गाइस आपको ये एयर ड्रॉप चाहिए तो भाई आपको इसे मार के इसे नीचे गिराना होगा। देखो गाइस नया फीचर आया, काफी अच्छी बात है, लेकिन ये काफी ज्यादा इजी फीचर है, ठीक है, मेरे ख्याल से भाई ड्रैगन को अपने ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ही गाइस मैंने ड्रैगन की पूरी हेल्थ डाउन कर दी, आप लोग नोटिस करो, ठीक है, जो एयर ड्रॉप है गाइस वो नीचे गिर चुका
चुका है और इसके अंदर से गैस मुझे टोटल दो चीजें देखने को मिली। पहली आइटम में गैस है ड्रैगन स्प्रिंटर और दूसरी आइटम में गैस है ड्रैगन फ्रीजी। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना ठीक है। ड्रैगन फ्रीजी का मैंने यूज किया सामने जो गैस एनिमे ठीक है उसके ऊपर गैस मैंने इसको फेंका तो हुआ यह कि गैस ये जो ग्रीन है ठीक है भाई तीन बार ब्लास्ट हुआ और सामने वाले एनिमे को तीन बार डैमेज दिया जो कि ये इसकी खास बात रहेगी। बात करें दूसरी आइटम तो दूसरी आइटम में गैस है ड्रैगन स्प्रिंटर और इसका काम ये है ठीक है कि जब आप लोग यूज करोगे इसका तब आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हाई जंप करेगा और इसका जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह का रहेगा। तीसरा गैस ग्रेनेड ठीक है भाई ईएमपी ग्रेनेड जो कि यार इसका मेरे को रिव्यू वगैरह नहीं मिला ठीक है क्योंकि भाई गेम के अंदर ये मेरे को किसी भी जगह पे नहीं मिला तो सॉरी यार मैं इसका आपको रिव्यू नहीं दे पाया। फिर यहाँ पे चौथी हाईलाइट है गैस ज़ॉम्बीज़ हंट इज बैक यानी अपडेट के बाद जो अपना ज़ॉम्बीज़ हंट मोड था वो आपको वापस देखने को मिलेगा तो इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं करेंगे। बात करें पांचवी हाईलाइट की तो पांचवी हाईलाइट के अंदर गर्ना ने बताया है कि अपडेट के बाद कौन से कैरेक्टर के अंदर चेंज वगैरह हो रहा है तो भाई अपडेट के बाद राइडन सेंटेनियो ठीक है कैरोलाइन अपना निकिता जोसेफ और कापेला ये जो गैस कैरेक्टर है इनकी एबिलिटी को गैस और ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है ठीक है यानी गैस आपको अपडेट के बाद और अच्छे से आप लोग इसका यूज कर पाओगे क्योंकि इसकी पावर को बढ़ा दिया गया है। लेकिन गैस अपडेट के बाद तत्सुया कैरेक्टर इकलौता ऐसा कैरेक्टर है ठीक है जिसके पावर को गर्ना कम कर रहा है। अगर बात करें सिक्स्थ हाईलाइट की तो इसके अंदर गर्ना ने इंक्लूड किया हुआ है कि अपडेट के बाद कौन सी गन के अंदर कौन सा अपग्रेड वगैरह हुआ है। सबसे पहले गैस गन है ओग जिसके अंदर डैमेज और आर्मर पेनिट्रेशन गैस दोनों को सिंगल प्लस कर दिया है और इससे भी खतरनाक बात ये है कि अपडेट के बाद आप लोग इसके अंदर चिप लगा के इसको अपग्रेड भी कर सकते हो ठीक है तो भाई ये मोर पावरफुल होगी अपडेट के बाद। दूसरी गैस गन है पेराफॉल जिसके अंदर गर्ना ने मैगजीन को सिंगल प्लस इंक्रीज कर दिया है। तीसरी गैस गन है एमपी5 और इसका डैमेज को सिंगल प्लस इंक्रीज कर दिया है। यार मेरा तो अभी से कंफर्म हो गया ठीक है अपडेट के बाद भाई मैं चलाने वाला हूँ MP5 क्योंकि इसका डैमेज सिंगल प्लस बढ़ गया है और साथ में गैस में MP5 भी अच्छी खासी चला लेता हूँ। चौथी गैस गन है अपनी वेक्टर जिसके अंदर मैगजीन और गैस रेंज दोनों ही सिंगल प्लस गन ने इंक्रीज कर दी है। करंट अपडेट के अंदर गैस आपको पता होगा ठीक है भाई वेक्टर कुछ इतने खास नहीं चलते लेकिन भाई अपडेट के बाद वेक्टर अच्छी खासी गन चलेगी और भाई ऊपर से अगर आपके पास डबल वेक्टर है तो भाई यार क्या बोलूं एनिमी की भाई आप लोग मैया का सया कर दोगे। पांचवी गन है बिजोन जिसके अंदर भाई गर्ना ने डैमेज को और मैगजीन को भाई सिंगल माइनस कर दिया है। करंट अपडेट के अंदर गैस में बिजोन को काफी चला था ठीक है क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है करंट अपडेट के अंदर भाई बिजोन काफी मस्त चल रही है लेकिन भाई अपडेट के बाद इसका RIP होने वाला है। बिजोन लवर के लिए खास करके भाई मेरे लिए ये काफी बैड न्यूज है। छठी गैस गन है अपने चार्ज बस्टर जिसके अंदर गैस डैमेज को सिंगल माइनस कर दिया गया है। वैसे मेरे ख्याल से भाई चार्ज बस्टर की जो गन है इसका कोई यूज तो नहीं करता है ठीक है लेकिन अगर आपको इसका यूज करना आता है तो भाई ये काफी खतरनाक चलते हैं लेकिन इसका बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। जब भी गैस में इस गन को चलाता हूँ ठीक है भाई सामने वाले एनिमी तो नहीं मरता लेकिन सामने वाले एनिमी मुझे जरूर मार देता है। लास्ट गन है गैस ट्रो गन जिसके अंदर भाई गन ने डैमेज को सिंगल माइनस कर दिया गया है। टोटली गैस ओग पेराफॉल MP5 और अपनी वेक्टर ये जो चार गन है इसका पावर गन ने अपडेट के बाद इंक्रीज कर दिया है जबकि गैस बिजोन चार्ज बस्टर और अपने जो ट्रो गन की गन स्किन है ठीक है इसका पावर को गर्ना ने कम कर दिया है। करंट अपडेट के अंदर गैस में बिजोन और जो अपना क्या बोले ट्रोगन है उसका मैं काफी ज्यादा यूज कर रहा था ठीक है लेकिन अपडेट के बाद भाई मैं यूज करने वाला हूँ MP5। आप लोग कौन सी गन को यूज करोगे मेरे को कमेंट के अंदर बताओ। आइए गैस अब आप लोग बात करते हैं हाईलाइट नंबर 1 के बारे में। हाईलाइट नंबर 1 के अंदर गर्न ने भाई फ्री रिवॉर्ड को इंक्लूड किया है जैसे कि गैस नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर गैस रहेगी एक मस्त सी एक्समेट की गन स्किन। नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर आपको यही एक्समेट की गन स्किन देखने को मिलेगी ठीक है लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि भाई मुझे इसका रिव्यू वगैरह नहीं मिला है लेकिन गैस नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर मैं आपको कल या फिर परसों गैस इसका रिव्यू वगैरह भी दे दूंगा। फिर गैस दूसरा फ्री रिवॉर्ड रहेगा एक फ्री गन स्किन जिसका आप लोग फोटो देख लो और मेरे ख्याल से गैस ये जो गन स्किन ठीक है ये अपने को ऑलरेडी एक बार फ्री में मिल चुके हैं लेकिन अपडेट के बाद आपको वापस से फ्री मिलेगी आने वाले 17 अप्रैल को। यहाँ पे देखो गैस चौथा रिवॉर्ड रखा जाएगा एक फीमेल का बंडल जो की अपडेट के बाद स्टार्ट होने वाला मिका ड्रेक इवेंट के अंदर से आपको फ्री क्लेम करने को मिलेगा। फीमेल का बंडल कैसे आप लोग ये देख लो ठीक है जो कि कुछ ऐसा रहेगा और यही भाई आपको अपडेट के बाद आने वाले 17 अप्रैल को फ्री क्लेम करने को मिलेगा। बाकी गैस ये अपडेट के बाद सबसे पहला जो इवेंट स्टार्ट होगा गैस वो मिका ड्रेक इवेंट रहेगा ठीक है भाई। आखिर इसे कैसे बोलते ठीक है कैसे इसे प्रोनाउंस कर देगा वो इसका ध्यान मत देना ठीक है मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है। चौथा गैस रिवॉर्ड रहेगा एक इमोट जो कि आप लोग देख लो अपडेट के बाद गैस आपको ज़ॉम्बीज़ हंट मोड खेलने के बदले में ये इमोट फ्री क्लेम करने को मिलेगा। इमोट गैस काफी ज्यादा बढ़िया रखा गया है ठीक है जो कि आपको फ्री क्लेम करने को मिलेगा तो भाई जो भी अपडेट के बाद इवेंट वगैरह आता है इसे क्लेम करके आप लोग ले लेना काफी
काफी मस्त है। अब यहाँ पे गैस दो ऐसे रिवॉर्ड है जो कि गर्न ने इंक्लूड नहीं किया है लेकिन अपडेट के बाद अपने को मिलेगा। और भाई सबसे पहला रिवॉर्ड है अपना कैरोस कैरेक्टर। अपडेट के बाद आपको कैरोस जो कैरेक्टर रेडी किया फ्री क्लेम करने को मिलेगा, लेकिन कब क्लेम करने को मिलेगा गैस इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको फ्री मिलेगा ये बात पक्की है। दूसरा गैस रिवॉर्ड रहेगा एक मैजिक क्यूब, जो कि नॉर्मल से बात है होली इवेंट के अंदर और रमजान इवेंट के अंदर अपने को मैजिक क्यूब फ्री क्लेम करने को नहीं मिला है। तो आपको अपडेट के दिन या फिर अपडेट के बाद पैराडॉक्स इवेंट के अंदर से गैस आपको फ्री में मैजिक क्यूब क्लेम करने को मिलने वाला है। टोटली गैस OB44 अपडेट को लेकर गैस जो ठीक है मेन अपडेट थी वो सारी मैंने आपको अपडेट दे दी है यार, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। आने वाले 17 अप्रैल को गेम के अंदर अपडेट आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके गैस गेम को अपडेट कर लेना है, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट गेम को खेल पाओगे। बाकी गैस अपना नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोरी अपडेट इवेंट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, कौन से बंडल ऐड होगा क्या डेट रहेगी वो आपको जानना है लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट लक्की व्हील इवेंट कब आएगा वो जानना है राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो।